नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और ट्यूटोरियल वीडियो लेकर आई हूँ। और आज हमारे साथ है मिस श्रुति, जो कि आज हमारे साथ ये ड्राइविंग सीखेंगी। और श्रुति से हम जानते हैं कि पहले कभी इन्होंने कुछ ड्राइव किया है या नहीं। तो श्रुति जी, आपने कभी कुछ पहले ड्राइव किया है, टू व्हीलर स्कूटी वगैरह? मैंने साइकिल भी नहीं चलाई। अच्छा, आपने साइकिल भी नहीं चलाई है कभी, तो ये फर्स्ट टाइम है कि आप कुछ ड्राइव करेंगे, है ना? तो कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है? नर्वस हो रहा है, डर भी लग रहा है, स्कैर्नस है। कोई नहीं, चलिए देखते हैं किस तरीके से ये सीखती हैं और क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं या इजीली ये चला पाती हैं। तो आइए सबसे पहले पैरों का फंक्शन समझ लेते हैं। ये है राइट में हमारे पैर के सामने ए का बटन, मतलब एक्सेलरेटर, रेस देने का काम करता है ये। ये है बी फॉर ब्रेक बीच में, और सबसे लास्ट में ये लेफ्ट की तरफ है सी फॉर क्लच। और राइट लेग को हमें बीच में रखना है पैर को, ठीक है, ताकि इधर भी जा सके जरूरत पड़ने पर और इधर भी आ सके। ये पैर ना दोनों बटन के लिए है, ठीक है। रेस देना होगा, रेस देंगे, ब्रेक देना होगा तो ब्रेक देंगे, इसी पैर से कभी इधर कभी इधर, ठीक है। बीच में रखेंगे ताकि दोनों को कंट्रोल कर सकेगा इजीली, ठीक है। ओके। और ये जो लेफ्ट लेग है, लेफ्ट को एक जगह, इसको एक जगह रखना है। इसका सिर्फ काम है कि ये क्लच पर रहेगा, ये इधर उधर नहीं जाएगा, ये सिर्फ क्लच पर रहेगा, नहीं तो ये अपना रिलैक्स में रहेगा। जब लेना होगा तो क्लच पर, ठीक है। ये समझ में आ गया? हाँ जी, अच्छे से। तो पहले ना पीछे पीछे का जो लोहे वाला जो रड है ना, उसको करके आगे एडजस्ट कर लीजिए। हाँ, ये सीट अब कम्फर्टेबल होकर के बैठ जाइए पहले, ठीक है, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे उस टाइप से। और ए बी सी, हाँ ओके। ए से एक्सेलरेटर, मतलब रेस देते हैं, अभी हमको गाड़ी को रेस देना है तो उस वाले को प्रेस करेंगे, ए को। हाँ, और बहुत हल्का प्रेस करना होता है, बहुत ज़्यादा नहीं प्रेस करना होता है, ठीक है, ऐसे ही हल्का, ठीक है। और बीच वाला जो है वो बी है। ब्रेक प्रेस करने से पहले हम ये सी वाले को भी इस वाले लेफ्ट वाले लेग से प्रेस करके फिर ब्रेक को प्रेस करेंगे, ठीक है। जब हम गियर बदलते हैं या ब्रेक लगाते हैं, क्लच को प्रेस करके फिर ब्रेक लगाते हैं या गियर बदलते हैं। रोकना है गाड़ी को तो क्लच प्रेस करके फिर ब्रेक को लगाएंगे। तो अब ये ए बी सी, रेस, ब्रेक और क्लच समझ में आ गया? हाँ जी, ठीक है। अब हम समझेंगे गियर। ये गियर है, ठीक है, ये गियर जैसे अभी न्यूट्रल पे है, न्यूट्रल पे बिल्कुल, ठीक। इसमें लिखा हुआ है कौन सा गियर कहाँ पे है, ठीक है, उसी टाइप से लगाना होता है। जैसे एक है, एक किधर है, लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ है, ठीक है। एक के जस्ट नीचे दो, हाँ दो है, एक के नीचे दो, फिर ऊपर तीन, फिर चार, फिर पांच, और ये आर है, ये रिवर्स है। रिवर्स, ओके। और जब भी गाड़ी को स्टार्ट करना हो तो गाड़ी को न्यूट्रल में करके स्टार्ट करते हैं। ये दोनों तरफ इस तरीके से हो रहा है, अच्छे से जा रहा है, मतलब ये न्यूट्रल है। अगर किसी गियर में लगा होगा ना ये गियर, जैसे ये फर्स्ट गियर है, फर्स्ट गियर में आप ऐसे ऐसे कीजिएगा तो ये नहीं होगा, ठीक है। गाड़ी अगर स्टार्ट भी है और गाड़ी न्यूट्रल में है तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, न्यूट्रल में है, चाहे आप रेस दे रही हैं, चाहे आप कुछ भी दे रही हैं, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट, और लेफ्ट करके नीचे, हाँ ये हो गया सेकेंड, और सेकेंड के जस्ट आप सीधे ऊपर कर दीजिएगा तो ये हुआ थर्ड, ओके। और ये थर्ड के सीधे अब नीचे ले आइएगा बिल्कुल ऐसे जस्ट, तो ये फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। और इसको न्यूट्रल में करके राइट करके ऊपर ले जाइएगा तो ये फिफ्थ गियर हो जाएगा। इस न्यूट्रल किए और राइट करते हुए नीचे ले आएंगे तो ये रिवर्स में लग जाएगा। रिवर्स में जब भी हमको गाड़ी पीछे करना हो, जैसे पार्किंग वगैरह में जरूरत पड़ती है कि गाड़ी पीछे करके सीधी करनी है गाड़ी, है ना? हाँ जी। तो रिवर्स करना पड़ता है, तो करके दिखाओ। करिए, तो फर्स्ट गियर को इस तरफ करके, जैसे लेफ्ट में है ना ऊपर की तरफ, हाँ हाँ, ये एक हो गया फर्स्ट गियर, ठीक है। आराम से पूरा लेफ्ट लीजिए पहले, हाँ ऐसे जैसे ये है ना, हाथ को तिल हत्ता लत्थी को ऐसे ऐसे लगा के फिर ऊपर लेके जाइए, ये न्यूट्रल में, हाँ न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, तो पूरा पहले लेफ्ट लेके, हाँ ऊपर की साइड ही फर्स्ट गियर, फर्स्ट गियर, फिर ये नीचे की तरफ, हाँ ये हो गया, ये सेकंड गियर, सेकंड गियर हो, ठीक है, ओके। फिर वापस लाना है
और यहाँ से ऊपर ऊपर की तरफ ले गए तो ये थर्ड गियर, हाँ, और फिर यहाँ से नीचे ले आए ये फोर्थ गियर, हाँ, फिर राइट जाके पहले बीच में लेके, हाँ हाँ, फिर न्यूट्रल न्यूट्रल कर, अभी ये थर्ड में चला गया, ये आया, फिर राइट जाके ऊपर की तरफ, हाँ ठीक है ठीक है, राइट जाके ऊपर की तरफ ये सिक्स्थ गियर, फिफ्थ, हाँ फिफ्थ गियर, हाँ, और फिर राइट लेके, नहीं नहीं तो इसको न्यूट्रल करना है फिर, हाँ, जब भी कोई गियर लगाइए ना तो पहले न्यूट्रल कर लीजिए, ओके, एकदम आराम से, जल्दीबाजी में गियर कभी नहीं चेंज करना चाहिए, बिल्कुल रिलैक्स होकर के, ठीक है, तो पहले जो भी गियर में लगा हुआ है उसको पहले न्यूट्रल कीजिए, उसके बाद जो भी गियर लगाना है ना गियर लगाइए, ठीक है, अब फिर ये राइट जाके बैक साइड में आया, ये रिवर्स हो गया, सिक्स्थ गियर है ना, सिक्स्थ नहीं बोलते हैं उसको, रिवर्स बोलते हैं, रिवर्स, ओके, फिर गियर से फिफ्थ तक होता है, ओके, ठीक है, ये ऊपर चला गया बीच में, हाँ ये न्यूट्रल, समझ में आया, हाँ जी, ठीक है, और गियर जब भी चेंज करेंगे ना तो क्लच पूरा प्रेस करके, अच्छा, क्लच को पूरा प्रेस कर देंगे फिर गियर चेंज करेंगे पूरा, अभी तो गाड़ी बंद है तो इसलिए ये हो रहा है जैसे तैसे, लेकिन जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होगी ना ये बिना क्लच प्रेस हुए ये कहीं नहीं जाएगी न्यूट्रल से, अच्छा, गाड़ी बंद है तो इसलिए हो रहा है, पहले न्यूट्रल करना है ना, हाँ ठीक है, ठीक है, तो पैर का फंक्शन पता चल गया, हाँ ये गियर पता चल गया, हाँ हाँ, और जब प्रैक्टिकली करेंगे ना तो ज्यादा समझ में आएगा वो, हाँ, अभी मैं नॉलेज के लिए हल्का फुल्का बता दे रही हूँ, ठीक है, ये है हैंड ब्रेक, कंट्रोल करेंगे, एक ब्रेक है ना ये हैंड के लिए है, इमरजेंसी के लिए, ठीक है, तो अब लगाइए ब्रेक, हाँ ये ब्रेक लग गया, एक बार और इसको रिलीज कीजिए, कैसे करना है, हल्का सा ऊपर लेना है और फिर थोड़ा सा प्रेस करके नीचे छोड़ देना, हाँ नीचे तक छोड़ देना, तो ये क्या हो गया ब्रेक, ये ब्रेक हट गया, अब पूरा नीचे नहीं गया क्या, एक बार फिर से ऊपर कीजिए, नहीं ऊपर ऊपर करते समय तो आपको अंगूठा का यूज नहीं करना है ना, हाँ नीचे कीजिए, हाँ ब्रेक लगाइए, खींचिए ऊपर बिल्कुल, हाँ ये ब्रेक लग गया, ठीक है, अब इसको रिलीज कीजिए, तो हल्का सा ऊपर पहले करेंगे, हाँ उसको प्रेस करके नीचे तक जहाँ तक ये जा सकता है वहाँ तक जाके छोड़ देंगे, तो ये ब्रेक से हट गया, पैर का वो फंक्शन सब समझ में आ गया, हाँ जी ठीक, ये स्टीयरिंग है, इससे हम ना गाड़ी का जो दाया बाया, हाँ, सीधा कैसे रखना है ना, हाँ, इसकी दिशा को तय करते हैं, डायरेक्शन को, ये है स्पीडोमीटर, ठीक है, इससे पता चलता है कि हमारी गाड़ी कितनी स्पीड पे चल रही है, ठीक, उधर साइड में जो सुई है, हाँ वो पेट्रोल का है, वो दिखाएगा कितना फ्यूल है आपके, ओके, गाड़ी में फ्यूल बचा हुआ है, आप इसको एक बार ऐसे ऑन करेंगी तो ये इसका ना लॉक खुलेगा, ओके ठीक है, दूसरी बार खोलेंगे तो इंजन ऑन हो गया, यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है ना, ऑन हो गया, हाँ जी, लाइट जलने लगी है ना, अब तीसरी बार करेंगे ना तो गाड़ी स्टार्ट होगी, तो देखिए कि न्यूट्रल पे है ना गाड़ी हमारी, है ना, हाँ जी न्यूट्रल पे है, तो अब हम गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, गाड़ी स्टार्ट हो गई, ठीक है, इसको आप करके देखिए आराम से, ये एक बार ऑन हो गया, हाँ ये इंजन स्टार्ट हो गया, तो गाड़ी स्टार्ट कीजिए, नहीं बस बस करके छोड़ देना, ठीक ठीक है करके छोड़ देना, डर लग रहा है, डरने की बात नहीं है, गाड़ी हमारी न्यूट्रल में है तो डरना नहीं है आप, जब तक न्यूट्रल पर है हमारी गाड़ी, अगर आपका पैर ना गलती से रेस पे चला गया, दीजिए रेस पे इधर, हाँ गाड़ी बढ़ेगी नहीं, सिर्फ आवाज़ कर रही है वो, हाँ आवाज़ करेगी, गाड़ी जैसी है वैसे ही रहेगी, ठीक है, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी चाहे आप कितना भी रेस, इसको आगे से इस तरीके से लाना है, और ये हाथ बाहर निकलिए, हाँ जैसे यहाँ रहेगा, ठीक है, और इस वाले इसमें ना कर देना, ये सीट बेल्ट लग गया, ठीक है, पैर आराम से पहुँच रहे हैं, हाँ जी ठीक है, गाड़ी स्टार्ट कीजिए, गाड़ी हमारी न्यूट्रल पे देख लिए ना, कि न्यूट्रल में है ना, ये न्यूट्रल पे है, हाँ तो अब गाड़ी स्टार्ट कीजिए, गाड़ी हैंड ब्रेक हटा लीजिए, कैसे हटाना है, थोड़ा सा ऊपर लेके, हाँ उसको पुल करके और नीचे तक बिल्कुल जहाँ तक जा सकता है ना, चला गया आराम से, हाँ चला गया, हाँ
अब सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको ना गियर लगाना है, वो क्लच दबा हुआ है ना पूरा, क्लच गियर लगाइए, फर्स्ट गियर लगाइए, फर्स्ट गियर लेफ्ट जाके हाँ ऊपर की तरफ, क्लच पूरा प्रेस है तो आराम से गियर लगेगा, ठीक है हाँ ऊपर आप फिर से अगर पैर पहुंचने में दिक्कत हो रही है पूरे से तो पंजे से आप उसको ना प्रेस कर सकती है, पंजा का यूज कीजिए, लास्ट तक पंजा आराम से चला जाएगा, पैर से क्लच पंजे से पूरा प्रेस कर दीजिए, पूरा प्रेस होना चाहिए, फर्स्ट गियर लगाइए, हाँ बहुत अच्छे से लग गया इस बार, ठीक है सीधी रखना है सीधा और धीरे धीरे क्या करना है, क्लच छोड़ना है धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे, पैर को हटाना है बिल्कुल, जरा जरा सा पैर हटाना है, ठीक है ठीक है हाँ, और स्टीयरिंग को पकड़ के रखना है, धीरे धीरे हटाना है और देखना है मूव हो रही है बिल्कुल जरा जरा सा, हाँ जरा सा हाँ स्टीयरिंग, हाँ चलो चल लेगा ये सब चलेगा, और गाड़ी जब भी सीखे ना तो ऐसे फील्ड होना चाहिए बड़ा सा कि गाड़ी इधर उधर जाए ना तो भी कोई खतरा नहीं हो, बड़ा सा फील्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है देख पता चल रहा है ना कि कैसे घुमा रही हो तो गाड़ी कैसे जा रहा है ना, तो उसको वो आप वैसे ही ले सकती हैं। आप धीरे धीरे क्या कीजिए, पैर को ना उठा लीजिए, धीरे धीरे उठाइए, धीरे धीरे उठाइए, पूरा हटा लीजिए पैर को वहाँ से, बाएं पैर को पूरा हटा लीजिए क्लच से धीरे, हाँ अब यहाँ पर क्या कीजिए कि लेफ्ट पैर से पूरा क्लच प्रेस करके और ब्रेक लगा दीजिए, पूरा पहले क्लच पूरा प्रेस कीजिए और ब्रेक, अब गियर को न्यूट्रल कीजिए, हाँ ठीक है न्यूट्रल हो गया, गियर को फिर से लगाइए फर्स्ट गियर में, हाँ वेरी गुड, अब पैर को धीरे धीरे क्लच से उठाइए, ब्रेक छोड़ा हुआ है ना पहले, अगर अचानक से क्लच ज्यादा छूट जाएगा ना तो गाड़ी क्या होगी, भाग जाएगी, नहीं गाड़ी बंद हो जाएगी, अच्छा सब प्रैक्टिकल करके देखिए, ठीक है ब्रेक लगाइए, रोकिए गाड़ी, रोकिए उसके बाद, और झटके से नहीं रुकना चाहिए गाड़ी, स्लो स्लो रुकना चाहिए, मतलब धीरे लगाइए फर्स्ट गियर, क्लच पूरा प्रेस है, हाँ और अचानक से अगर पैर हटाइएगा तो क्या होगा गाड़ी, है ना गाड़ी स्टार्ट कीजिए, न्यूट्रल में ही स्टार्ट करना है, जब भी गाड़ी स्टार्ट करने एक बार चेक जरूर करना है कि न्यूट्रल में है ना, नहीं तो यही प्रॉब्लम होगी, अभी जो हुई ना सेम यही प्रॉब्लम होगी, अगर गाड़ी किसी भी गियर में लगी हुई है और गाड़ी आपने स्टार्ट कर दिया तो यही प्रॉब्लम होगी, ठीक है अब चलिए, अब गियर को फर्स्ट गियर में लगाना है, हाँ अब जैसे मैंने बताया वैसे फॉलो कीजिए, हाँ पता चल रहा है ना कि कैसे घुमा रही हूँ तो गाड़ी कैसे जा रहा है ना, तो उसको वो आप वैसे ही ले सकती हैं, चलिए आराम से, अब एक काम कीजिए गाड़ी को रोक के दिखाइए, रोकने के लिए क्या करना है, क्लच दबाना है पूरा, हाँ पूरा क्लच से ब्रेक, हाँ ब्रेक लगाए, हाँ जी अब फिर से फर्स्ट गियर लगाइए, क्लच पूरा प्रेस है, हाँ अब धीरे धीरे फिर बढ़ाइए, क्लच धीरे धीरे छोड़ना है ना, हाँ ब्रेक छोड़ा हुआ है ना पहले, स्टीयरिंग इधर इधर घुमाइए, इधर और घुमाइए, पूरा घुमा लीजिए, बस बस बस, गाड़ी जब भी सीखे ना तो ऐसे फील्ड होना चाहिए बड़ा सा कि गाड़ी इधर उधर जाए ना तो भी कोई खतरा नहीं हो, बड़ा सा फील्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट डे पहला गियर ही चलाना चाहिए क्योंकि उससे ना कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और एक अंदर से ना अच्छा फील होता है, आत्मविश्वास ना बढ़ता है, और बहुत स्लो स्लो गाड़ी मूव कर रही है तो डर भी नहीं लगता, आराम से आप दाएं बाएं कर सकते हैं ना, क्लच से भी आप बढ़ा सकती हैं गाड़ी को और यहाँ पे आप हल्का हल्का रेस भी दे सकती हैं चाहे तो, इससे रेस की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, स्टीयरिंग का काम बहुत ज़्यादा नहीं है, इधर इधर घुमाइए स्टीयरिंग,
बस बस ध्यान रखना है कि गाड़ी किधर जा रही है, स्टीयरिंग हमें किधर घुमाने की जरूरत है, ध्यान रखना है बस। पहले दिन हमें गाड़ी को संभालने आ जाए और गाड़ी को रोकने आ जाए, गाड़ी को आगे बढ़ाने आ जाए, इतना ही ध्यान रखना है, स्टेप बाय स्टेप सीखना है और बहुत छोटी छोटी चीज़ों को ना ध्यान में रखना है बस। अब तो इसका अंदाजा मिल गया होगा ना स्टीयरिंग का? हाँ हाँ, थोड़ा बहुत मिल गया होगा ना। हाँ चलिए खुद से कीजिए, मुझे बताने की जरूरत ना पड़े। अब कैसा लग रहा है? अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है ना। हमें उधर चलना है, उधर चलिए। कितना देर हुआ होगा? मेरे ख्याल से आधा घंटा हो गया होगा। आधा घंटा हुआ होगा ना। आधे घंटे में आप खुद से स्टार्ट करके और गाड़ी को बढ़ा ले रही है ना, और स्टीयरिंग को भी संभाल रही है। उधर खेल रहा है सब, तो इधर चलना है हमें। अब इतना का प्रैक्टिस करना है पहले, ठीक है? इतना का दो दिन तीन दिन प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद सेकेंड गियर लगाने आ जाएगा। सेकेंड गियर पे आपने चला लिया गाड़ी, तो फिर गाड़ी चलाने आ गई आपको, फिर आप थर्ड गियर भी लगा सकती हैं, फोर्थ गियर भी लगा सकती हैं, फिफ्थ गियर भी लगा सकती हैं, ज़रूरत के अनुसार आप उसको चेंज कर सकती हैं। बस मेन होता है कि गाड़ी को ना कंट्रोल करना, गाड़ी को उठाना और गाड़ी को फिर रोकने आना, स्टीयरिंग को संभालने आना कि कितना स्टीयरिंग घुमाने से हमारा गाड़ी है ना किधर मूव कर रहा है, मेन यही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, यहाँ पर साइड में करके गाड़ी रोकिए, साइड में कीजिए, हाँ आप रुकिए, पूरा क्लच प्रेस करके ब्रेक लगाइए, वेरी गुड। अब क्या करना है, न्यूट्रल करना है इसको। हाँ अब पैर हटा सकती हैं, ब्रेक लगा लीजिए, पूरा ब्रेक लगाइए, हैंड ब्रेक। हाँ हाँ, अब पैर को रिलीफ कर सकते हैं, पैर हटा सकती हैं। ओके ठीक है, कैसा लगा? अब थोड़ा और कॉन्फिडेंस आया है। हाफ एन आवर में कॉन्फिडेंस आ गया, गाड़ी को चलाने आ गया, स्टीयरिंग संभालने आ गया, और प्रैक्टिस करने की चीज़ है ये। प्रैक्टिस कीजिए और सही तरीके से सीखना है ना। आज श्रुति का पहला दिन था और आपने खुद ही इनसे जान लिया कि इनको कैसा लगा, है ना श्रुति? हाँ जी। पहले आपने कभी साइकिल भी नहीं चलाई थी? नहीं नहीं। और स्कूटी भी नहीं चलाई है? नहीं। तो बहुत अच्छा था आज का इनका ये क्लास। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में। मिलती हूँ अगली वीडियो में, अगले ट्यूटोरियल वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, सेफ ड्राइव एंड बाय बाय।